जब तुम्हारा वक्त आएगा लोग तुम्हारे आइडिये और तुम्हारे नखरों समेत तुम्हें खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वक्त वो भी आएगा कि जब तुम सिर्फ अकेले रहोगे कि दुनिया तुझे अपने काबिल नहीं समझेगी। ऐसे हालात में तुझे चलना है। वक्त तो ऐसा भी आएगा लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे और तुम पर ऐसी तनकीदों का बाजार गर्म करेंगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वक्त ऐसा भी आएगा अपने तो क्या कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब सोचो तुझे अकेले निकलना है अंधेरी रातों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ, या वक्त का इंतजार करना है क्योंकि तुमने वो ख्वाब देखे हैं जिसे लोग सोचने से भी डरते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ सब्र और अपने खुदा पर भरोसा करना है क्योंकि जिंदगी एक फिल्म की तरह है जिसका एक पार्ट गुजर चुका है और इंटरवल के बाद दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है और आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अच्छा वक्त आएगा, जरूर आएगा। अच्छा वक्त तब आएगा जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे। वक्त तो वो भी आएगा जब आप कुछ नहीं होंगे। वक्त वो भी होगा जब लोग आपको लोगों की महफिलों में इग्नोर करेंगे, हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करेंगे। हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने रो रहे होते हैं, लोगों से अच्छे की उम्मीद कर रहे होते हैं। जिन लोगों से हम उम्मीद लगाते हैं वो लोग गलत नहीं होते, उस वक्त हमारा टाइम खराब चल रहा होता है। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये वक्त बदलेगा सिर्फ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और वो किसी की मिन्नत जाया नहीं होने देता। ये दुनिया तुम्हारे लिए बदलेगी, हालात तुम्हारे लिए बदलेंगे। वक्त ऐसा भी आएगा ना तुम्हारे पास वसाइल होंगे, ना खानदानी दौलत, ना नाम होगा। ऐसे हालात में तुझे मकाम बनाना है, लोगों के साथ तुझे मुकाबला करके जीतना है। एक तरफ ये मीठी जिंदगी है जो सोने खाने और लोगों के ऐप देखने में गुजर रही है, और एक तरफ वो मुश्किल सफर है जिस पर चलकर तुझे इस दुनिया में अपना मकाम बनाना है। आखिरी वक्त में सिर्फ अपने आप से इतना पूछना कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी है, मुझे एक कायर की मौत नहीं मरना पड़ा। वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसा, दौलत, शोहरत और अपनी आने वाली नस्लों को बदलना हर कोई चाहता है। आप सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं या आपने प्लान भी बना लिया है। लोग हमेशा उसी रास्ते पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा आसान होता है। अपनी नाकामियां दूसरों पर मत डालें। रास्ता कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखें और कभी दूसरों की उम्मीद मत तोड़ें। वक्त आपके पास भी उतना ही है और कामयाब लोगों के पास भी वक्त उतना ही था। मुश्किलात आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं। अगर जिंदगी में कोई गोल नहीं, कोई मंजिल नहीं, तो आप एक जिंदा लाश हो जिसके मरने जीने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाब वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। आप किन लोगों से सलाह मशवरा करते हैं? उन लोगों से जो आपको मोटिवेट करते हैं और एक उम्मीद देते हैं, या उन लोगों से जो आपकी उम्मीद को तोड़ते हैं और उनके बाल सफेद हो चुके हैं और उन्होंने 20,000 से आगे कभी सोचा ही नहीं, जिनकी मुआशरे में खुद कदर नहीं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने आप को इस काबिल बना लो कि लोग आपके साथ चलना, हाथ मिलाने को फख्र महसूस करें, लेकिन ये लंबा सफर है। सब्र, तहम्मल, मेहनत से तय होगा। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप उसी में अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको मशवरा देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मुश्किल वक्त में आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं आएगा। भूख लगे तो खाना खा लो, थक जाओ तो सांस ले लो, अपना फोकस मत हटाओ। लोगों को समझाने और सफाइयां देने के लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। इतना काबिल बन जाओ कि लोगों की महफिलों में लोग आपकी मिसालें दें। जैसे लोग आपके अंदर नाकामियों को ढूंढते हैं, अपने अंदर आप काबिलियत को ढूंढो। जिंदगी एक बार मिली है तो इसे दुनिया के लिए मिसाल बना दो।